हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमको समझो AAC ब्लॉक्स की दीवार बनानी है तो उसमें कितना खर्चा आएगा। पूरा डिटेल में रेट एनालिसिस हम इसमें करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हम 10 बाय 10 फीट की दीवार बनाने वाले हैं, 6 इंच मोटाई वाली। तो इसके लिए हम लोग जो ब्लॉक्स यूज करेंगे वो तो वेरियस साइजेस में अवेलेबल है एज पर द RS कोड। जैसे आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि वेरियस साइजेस अवेलेबल हो सकती हैं, तो हम एक ना ज़्यादा छोटी साइज ना ज़्यादा बड़ी साइज मीडियम साइज के ब्लॉक्स पकड़ लेते हैं। तो हमारा जो ब्लॉक का साइज रहेगा जो हमने कैलकुलेशन के लिए उसका डायमेंशन से 600 mm बाय 200 mm बाय 150 mm। तो इसी से लेके हमने पूरा रेट एनालिसिस किया है। आप अगर चाहे तो बड़े साइज के भी ब्लॉक्स ले सकते हैं और चाहे तो छोटे साइज के भी ले सकते हैं। उसके हिसाब से सिर्फ जो नंबर ऑफ जॉइंट्स आएंगे उसमें फर्क पड़ेगा, तो मोर्टर थोड़ा सा कम लगेगा। अगर आपने छोटे ब्लॉक्स लिए तो मोर्टर थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। डायमेंशंस तो हो गई, तो अभी हमने जो डायमेंशंस लिए है 600 mm बाय 200 mm बाय 150 mm, इसके हिसाब से 1 m³ में कितने ब्लॉक्स आते हैं, तो वो आते हैं 55.55। तो इसको हम राउंड फिगर करके 55 ही पकड़ लेते हैं, 0.55 ऊपर का नहीं लेते। तो 1 m³ में अब हमारे ब्लॉक्स आते हैं 55 टोटल ब्लॉक्स। तो उस हिसाब से एक ब्लॉक का कॉस्ट कितना पड़ेगा, अभी जो लोकल रेट है यहाँ पे वो है 3200 रुपीज़ पर m³। तो उस हिसाब से एक ब्लॉक के लिए रेट पड़ेगा 58.18 रुपीज़। तो उसको भी हम लोग राउंड फिगर करके 58 रुपीज़ ले लेते हैं। तो 58 रुपीज़ का एक ब्लॉक हमको आएगा। ब्लॉक्स का रेट तो आ गया, अभी इसमें मोटर भी लगेगा। तो मोटर का थिकनेस हम कितना लेंगे, जनरली हम जो मोटर का थिकनेस लेते वो 10 mm लेते। तो अगर हम 10 mm में थिकनेस लेंगे तो उसका जो डायमेंशन होगा ब्लॉक्स का वो चेंज हो जाएगा, हम उसमें 10 mm ऐड करेंगे। 3 मीटर बाय 3 मीटर ये हो गया अपना 10 फीट बाय 10 फीट। तो इसी हिसाब से हम लोग अभी निकालेंगे। अभी हम टोटल एरिया की दीवार को अगर डिवाइड करें एक ब्लॉक के एरिया से, तो वो हमको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हमको लगेंगे। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, 3 मीटर × 3 मीटर डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ब्लॉक। इसका अगर हम आंसर निकालें तो आ जाएगा 70.25 ब्लॉक्स। तो हमको 10 बाय 10 फीट की दीवार बनाने को 70.25 ब्लॉक्स लगेंगे। तो अभी इतने ब्लॉक तो लगेगा, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा ब्लॉक्स का, तो ब्लॉक्स का 70.25 × 58 रुपीज़ जो हमने अभी निकाला था, तो इतना कॉस्ट आएगा। तो उसका टोटल हो जाएगा 4,075 रुपये। तो अभी हम मोटर कौन सी ले, तो इसके लिए हम अज्यूम कर रहे हैं 1:6 का रेशो मोटर के लिए। तो क्वांटिटी ऑफ मोटर निकालने के लिए हमें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स। उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है, टोटल वॉल्यूम जो हमारा है 3 मीटर बाय 3 मीटर बाय 150 mm मतलब 0.15 मीटर, माइनस 70.25 इन ब्रैकेट 0.6 इंटू 0.2 इंटू 0.15। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.0855 m³। ये तो हो गया हमारा वेट वॉल्यूम ऑफ मोटर। तो अभी इसका ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमको। ड्राई वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 30% एक्स्ट्रा, मतलब जो भी हमारा वेट वॉल्यूम है उसमें हम 30% ऐड करेंगे तो हमको ड्राई वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वो कितना आएगा हमारा, वो आ जाएगा 0.11 m³। तो ये आ गया हमारा ड्राई वॉल्यूम। तो इसपे से अभी हम 1:6 जो रेशो कंसिडर किया है उसके हिसाब से हम लोग कितना सीमेंट लगेगा कितना बालू लगेगा। अभी हम यहाँ पे क्रश सैंड यूज कर रहे हैं, जो हमें सीमेंट लगेगा वो लगेगा 24.62 kg। तो और जो सैंड लगेगा मतलब क्रश सैंड जो लगेगा वो लगेगा 3.67 CFT मतलब क्यूबिक फीट। ये सब हमने अभी 1:6 का रेशो पकड़ा है। अभी कहीं पे कभी क्या होता है 1:4 का भी रेशो लेते हैं। अभी डिपेंड ऑन रेशो आपका ये क्वांटिटी अलग आ सकता है। हमने 1:6 का रेशो लिया है, इसके लिए हमारा सीमेंट थोड़ा सा कम लगा है, लेकिन 1:4 का रेशो लेंगे तो आपका सीमेंट थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने
क्वांटिटी तो निकाल लिया, हमको इसका रेट निकालना पड़ेगा। अभी होता क्या है, हमको जो बालू आता है वो जो मतलब हमको जो क्रश सैंड आता है वो 2.7 ब्रास का एक गाड़ी आता है, उसका जो कीमत रहता है 2,600 रुपीज रहता है। ऑन साइट डायरेक्टली हमको वो मिल जाता है 2,600 रुपीज। एक CFT का रेट निकालना पड़ेगा, उसका रेट जो आएगा वो आता है 9.65 रुपीज पर CFT। और अभी कॉस्ट ऑफ सीमेंट भी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सीमेंट कितना आएगा। अभी जो लोकल रेट चल रहा है वो उसमें होता क्या है, मतलब रेट का वेरिएशन होता है। मिनिमम जो रेट होता है मतलब मानसून सीजन में भी वो 270 रुपीज पर बैग रहता है, और मैक्सिमम जो जाता है वो उसका 340 के आसपास तो जाता ही है समर सीजन में। तो अभी हम इसका एक एवरेज लेते हैं 300 रुपीज पर बैग। तो 300 रुपीज पर बैग के हिसाब से हमको 1 kg कितना रुपए का पड़ेगा। हमको 1 kg सीमेंट मतलब 300/50 अगर करेंगे तो वो आ जाएगा 6 रुपीज पर kg। तो ये मिल गया हमको सीमेंट का रेट। तो अभी सीमेंट का रेट भी मिल गया, क्रश सैंड का रेट भी मिल गया। इस पर से हम निकालेंगे अभी मोटर का कॉस्ट कितना हुआ हमारा। तो मोटर का कॉस्ट मतलब वॉल्यूम ऑफ क्रश सैंड इनटू रेट प्लस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इनटू इट्स रेट। तो इससे हमको मिल जाएगा टोटल मोटर का कॉस्ट। अभी ब्लॉक्स का निकाल लिया, मोटर का निकाल लिया, तो बचा क्या, लेबर चार्ज। लेबर चार्ज जो रहेगा अपना वो भी, अगर 10 बाय 10 का दीवार बनाने के लिए आपको पूरा दिन तो नहीं जाएगा, हो सकता है वो 2-3 घंटे में भी पूरा हो जाए, लेकिन आपको लेबर तो पूरे दिन का ही, मतलब लेबर जो रेट लेगा वो पूरे दिन का ही लेगा। तो उसके हिसाब से हम ऐसा पकड़ लेते कि आपने पूरे दिन का रेट उसको दिया, तो उसके लिए आपको लेबर कितने लगेंगे। आपको 2 लेबर लगेंगे, एक मिस्त्री लगेगा और एक भिखारी लगेगा। वो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में ये काम कर देते हैं, लेकिन उसको आपको रेट पूरे दिन का ही देना पड़ेगा। तो लेबर चार्ज कितना लगेगा, जो मिस्त्री का रेट है वो 800 रुपये पर डे होता है, और जो भिखारी होता है उसको आपको 500 रुपये पर डे देना पड़ता है। तो अभी आपका टोटल जो लेबर चार्ज होगा वो 800 + 500 इक्वल टू हो गया, टोटल हो जाएगा 1,300 रुपीज। तो ये हो गया लेबर चार्ज। अभी आपको टोटल कॉस्ट कितना लगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ब्लॉक कॉस्ट ऑफ ब्लॉक्स प्लस कॉस्ट ऑफ मोटर प्लस लेबर चार्ज। ये हो गया आपका टोटल, वो आ जाएगा 5,558, राउंड फिगर करके 5,560 रुपीज। तो आपको 10 बाय 10 फुट का 6 इंच का दीवार बनाने के लिए टोटल खर्चा आएगा 5,560 रुपीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बटन में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, तो जब भी मैं कोई नई नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।